तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों में आप अपनी स्किन की देखभाल कैसे करें। जी हाँ, क्योंकि धूल मिट्टी प्रदूषण के कारण और ज्यादा पसीना आता है, जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके साथ क्या होता है कि गर्मियों में चेहरा काला पड़ने लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। अगर आपका चेहरा भी गर्मियों में काला पड़ता है तो आज मैं एक फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसका यूज करके आप गर्मियों में अपने फेस को काला होने से बचा पाएंगे। और जो जो चीजों से हम इसको मिलाकर बनाएंगे वो सब चीजें आपको आपके घर में ही मिलने वाली हैं। तो होममेड ये फेस पैक होने वाला है। इस फेस पैक को आप समर स्पेशल फेस पैक भी कह सकते हैं, और ये आपकी स्किन को ग्लो भी देगा और आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा पसीना आता है यानी कि एक्स्ट्रा ऑयल, उसको भी कंट्रोल करने का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस फेस पैक को तैयार कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, समर स्पेशल फेस पैक बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है इन पांच चीजों की, और ये पांचों आपको आपके घर पर आसानी से ही मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैंने ली है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपके फेस के एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने का काम करती है और आपके फेस पर ग्लो लाने का काम करेगी। ये मैंने मिलाया है सैंडलवुड यानी कि चंदन पाउडर। तो चंदन पाउडर भी आपकी स्किन को निखारने का काम करता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ होममेड ओरेंज पील पाउडर। अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर है, आप चेक कर लेना। आप घर पर ही अपना ऑरेंज पील पाउडर तैयार कर सकते हैं। ये मैंने मिलाया है इसमें रोज़ वाटर, और लास्ट में मैं ऐड करने वाली हूँ हनी। मेरे पास पतंजलि का हनी है, आपके पास जो भी हो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये देखिए ये हमारा फेस पैक तैयार हो चुका है। अभी आप चेहरे की डलनेस देखिए कि चेहरे पर कितनी डलनेस आ चुकी है। अब हम इस फेस पैक को अप्लाई करेंगे, तो अच्छे से आपको अपने फेस पर इसको लगा लेना है। तो मैं फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ, आपको जैसे इजी लगे आप लगा सकते हैं। तो कम से कम 20 मिनट तक तो इस फेस पैक को अपने फेस पर ऐसे ही लगाकर छोड़ना है, तब आपको अपने चेहरे को वॉश करना है। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। अगर 2 से 3 बार लगाएंगे तो अब आपको और भी अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैं इसी तरह फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पर अपने इसको अप्लाई कर लूँगी। तो देखिए अच्छे से लग चुका है। तो देखिए 20 मिनट बाद काफ़ी अच्छे से सूख चुका था। अब इसको वॉश करते हैं। तो वॉश करने के बाद आप चेहरा देखिए कि कितना ग्लो मेरे चेहरे पर लग रहा है, काफ़ी ब्राइट लग रहा है मेरा फेस। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए टॉवल से मैंने अपने फेस को पोंछ लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इसका बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट देखा ही है। इस फेस पैक ने तुरंत हमारे चेहरे पर निखार लाने का काम किया है। तो ये गर्मियों में आपके जो फेस पर पसीना ज्यादा आता है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई या फिर नॉर्मल है तब आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है, ज्यादा ऑयल आपके फेस पर जमा होता है गर्मियों में, तब आप इसमें हनी स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो और मेरी मेहनत आई है आपको पसंद, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।